ये देखिए, ये मिठाई कितनी टेम्पटिंग लग रही है। क्या कोई इसे देख के कह सकता है कि बिना गैस जलाए, बिना घी, बिना दूध, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के बना है। इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हमें ना ही चाशनी की ज़रूरत है, ना ही मैदा, सूजी, बेसन, नारियल के बुरादे की, और ये बहुत ही सस्ते में, बेहद कम खर्चे में बन के तैयार हो जाता है। तो ये टेस्टी सी मिठाई को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट रोल डिलाइट बनाएंगे। कई बार बच्चे मिठाई खाने का जिद करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ना हो और बाज़ार की मिलावटी मिठाई न खाना चाहते हो, तो आप घर में झटपट बनने वाली ये सस्ती मिठाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में। ये मिठाई बनाने के लिए हमें दो तरह का बिस्किट चाहिए। हमने ये मेरी बिस्किट लिए हैं, इसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। ये टी टाइम बिस्किट है, ये सस्ता होता है। आप अपने पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मेरी गोल्ड या पार्ले जी। इसके अलावा हमें क्रीम वाली चॉकलेट बिस्किट चाहिए, इसकी जगह आप ओरियो भी ले सकते हैं। सारे बिस्किट को हमने रैपर से अलग कर दिया है, तो एक ग्राइंडर जार लेंगे और सादे बिस्किट को इसमें क्रश करके डालेंगे। और इसे हम ग्राइंड कर देंगे। हमें इसे महीन ग्राइंड करना है, तो हमने ग्राइंड कर लिया है। अब एक हम बाउल लेंगे और अपने बिस्किट के पाउडर को छान लेंगे। तो हमने छान लिया है, अगर बिस्किट के टुकड़े रह जाते हैं तो वापस से पीस के फिर हम छान लेंगे। तो ये पाउडर हमारा महीन हो गया है, तो हम इसका डो बना लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। ये बिस्किट ज़्यादा मीठा नहीं होता है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर ना है तो बिस्किट ग्राइंड करते समय आप चीनी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और एक टाइट डो बना के रेडी करेंगे। बन गया है, हमें टाइट डो ही लगाना है, डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब चलते हैं हम दूसरे बिस्किट को भी ग्राइंड कर लेने। अब हम क्रीम वाले बिस्किट लेंगे और इसका हमने क्रीम निकाल के अलग कर दिया है, ये क्रीम हमें आगे काम आएंगे। तो अब हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, जिसमें हमने अभी चीनी ग्राइंड किया था, तो इसी में हम ये छोटा वाला जार में इसे ग्राइंड करेंगे। तो हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हमने महीन ग्राइंड किया है। तो एक बाउल लेंगे और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमने क्रीम निकाला था उस क्रीम को इसके अंदर अब ऐड करेंगे। अब हम चॉकलेट सिरप लेंगे। चॉकलेट सिरप अगर आपके पास ना है तो आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। चॉकलेटी तो ये पहले से ही था, लेकिन इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए और इसका कलर डार्क आने के लिए हमने 1 चम्मच चॉकलेट इसमें और डाले हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम रोस्टेड मूंगफली को दरदरा ग्राइंड करके डाल देंगे। 2 चम्मच हम शुगर पाउडर डालेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी को कम डालें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सख्त डो तैयार कर लेंगे। तो ये हमने टाइट डो लगा के रेडी कर लिया है। डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो दोनों तरह का डो हमारा बन कर रेडी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम एक अलमुनियम फॉइल लेंगे। आप इसके जगह प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। अलमुनियम फॉइल के ऊपर सादे वाले बिस्किट का डो रखेंगे और इसे ओवल शेप में बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे 5 रुपये वाला 2 क्वाइन के जितना ही मोटा रखना है। तो हमने इसे बेल लिया। अगर साइड साइड से फट रहा है तो कोई बात नहीं, इसे हमें कट ही करना है। हमने बेल कर शीट रेडी कर लिया है। तो अब हम दूसरे वाले रोल लेंगे। ये चॉकलेट वाला रोल है, इसकी हमें लंबाई उतना ही रखनी है जितनी हमारी शीट की चौड़ाई है। तो इसे हम टाइटली फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह घुमाते जाएंगे और इसे हाथ से दबा के स्मूथ कर लेंगे। इसी तरह हम रोल को आगे बढ़ाते जाएंगे, अलमुनियम फोल को हटाते जाएंगे। सेम प्रोसेस से हम पूरा रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो हमारा रोल हो गया है, जो एक्स्ट्रा अलमुनियम फॉल है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हम इस रोल को 4 घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। सब्सक्राइब करिए इंडियन फूड चैनल को।
चार घंटा हो गया है तो हम चॉकलेट रोल डिलाइट को फ्रिज से बाहर निकाले हैं। अल्मीनियम फॉइल को हम अलग करेंगे। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, अंदर से पीनट और चॉकलेटी। अब हम इसे पीसेज में कट करके सर्व करेंगे। हमारा चॉकलेट रोल डिलाइट बनके रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप जिसे भी खाने को दीजिएगा या आपकी तारीफों का फूल बनेगा। तो आप बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।